अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप बिल्कुल ठीक हैं। आज आप सब की रिक्वेस्ट पर मैंने फिर से बनाया है कुन्ना। तो चलें टाइम नहीं लेते और इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कुन्ने के लिए यहाँ पे मैंने मटन लिया है, आप बीफ से भी बना सकते हैं। और आप देख लें मैंने कितना बड़े साइज़ का मटन कटवाया है, आपको भी इतने ही बड़े साइज़ का रखना है क्योंकि ये हल्की आँच पर पकता है तो इसकी बोटियों को भी बड़ा होना चाहिए। अगर आप बहुत छोटी छोटी बोटियों का बनाएंगे तो बहुत जल्दी गल जाएगा और बोटियाँ घुल जाएंगी। पर आप जो है दस्ती हो, रान हो या पुटका गोश्त हो ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर पाए जाते हैं आधा गोश्त जाता है और आधा पाए का यखनी बना के डाली जाती है तो मटन कुन्ना रेडी होता है। लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से सिखा रही हूँ। बस आप जिसके अंदर नली हो और बड़ी बड़ी हड्डियाँ हो वैसा गोश्त ले लीजिएगा, लेकिन बड़ा होना चाहिए। अच्छा, अगर जो आप इसको कुर्बानी के गोश्त से बना रहे हैं तो आप इसके अंदर थोड़ा सा नमक और ना सिरका लगा के रख दें आधे घंटे के लिए, फिर उसके बाद उसको वॉश कर लें, इसमें से बिल्कुल भी हीक नहीं आएगी। और अगर आप रेगुलर गोश्त से बना रहे हैं तो फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। बस गोश्त को अच्छे से वॉश करना है और मेक श्योर कर लेना है कि गोश्त के अंदर किसी किस्म की कोई भी गंद नहीं रहे। चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसका मसाला। मसाले के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है यहाँ पर साबुत धनिया, थोड़ी सी ली है मैंने जायफल और थोड़ी सी ली है मैंने जावित्री। इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट है शाहजीरा, क्योंकि इसके बगैर कुन्ना रेडी नहीं होता। साथ ही जाएगी इसके अंदर साबुत काली मिर्च, थोड़ी सी जाएगी इसके अंदर लौंग और डालेंगे हम इसके अंदर हरी इलायची। इस क्या करेंगे, इन तमाम मसालों को एक साथ एक मिक्सी जार में डालेंगे और इसका अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना लेंगे। ये बना के रख लें तो आपके आगे चल के जब भी कभी कुन्ना बनाना हो तो ये बहुत काम आता है। यहाँ देखें मैंने तमाम जो थे इंग्रेडिएंट इनको अच्छे से बारीक पीस लिया था, फिर भी इंग्रेडिएंट क्वांटिटी के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन होंगे, वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको भी इतना ही बारीक पाउडर बनाना है। अब कुन्ने की जान है जनाब ये पॉट के अंदर बेहतरीन कुन्ना बनता है। अगर आपके पास ना हो तो इसको रेगुलर देगची में बना सकते हैं। मैं यहाँ इसको घी से बना रही हूँ, आप ऑयल से भी बना सकते हैं। पॉट जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर डालेंगे घी, साथ ही डाल देंगे इसके अंदर प्याज। प्याज को मैंने हल्का सा चॉप कर लिया था। मेक श्योर कर लीजिएगा कि अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि आप कितने कोच से बना रहे हैं तो मैं 1 किलो की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जितना बना रही हूं, मैं तकरीबन 1/2 kg से ज़्यादा बना रही हूं, तो मैं उसी हिसाब से इंग्रेडिएंट ऐड कर रही हूं। यहां पर देखें प्याज जब हल्की सी ट्रांसपेरेंसी होने लगेगी तब आप जाके इसके अंदर गोश्त ऐड करेंगे, पहले से गोश्त इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, यहाँ पे प्याज अच्छे से मैंने देखे हैं कुक कर ली थी, हल्की सी ट्रांसपेरेंट है और हल्की सी गुलाबी सी हो रही है। अब डालेंगे इसके अंदर गोश्त और गोश्त डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे। आप चाहे तो इसको पूरा सून के भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरीके से गोश्त को पहले अच्छे से फ्राई करती हूँ फिर बनाती हूँ। आप भी इसी रेसिपी को फॉलो करिएगा, बहुत लजीज कुन्ना बनेगा। यहाँ पर देख लें गोश्त को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया था। मेक श्योर कर लें पॉट बहुत गर्म है तो हाथ में ग्लव होना चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो आपका हाथ जल भी सकता है। यहाँ मटन को फ्राई करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। यहाँ पर घी सेपरेट हो गया है, प्याज भी अच्छे से देखें अलग हो गई है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और दोबारा से इसको भूनेंगे। जितना अच्छा आप इस वक्त इस हांडी की भुनाई करेंगे उतना ही बेहतरीन जो है ना कुन्ना रेडी होगा। लहसुन अदरक के पेस्ट को अच्छे तरीके से इस गोश्त के साथ आपको भूनना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया था। अब मैं आगे इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी जिससे ये बहुत लजीज बनेगा। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही डालेंगे इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी और डाल देंगे इसके अंदर पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर। आप ये कम या ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। अब जो हमने कुन्ने का मसाला रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करेंगे। मैं अगेन आपको बता रही हूँ कि मैंने जितना गोश्त लिया है उसके हिसाब से मैंने मसाला बनाया, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 1 kg की रेसिपी दूंगी। ये डाल के आप इसको अच्छे से भूनेंगे और आप देखिए मैं जितना अच्छा इसको भूनती जाऊंगी उतना ही ज़बरदस्त इसके ऊपर कलर आता जाएगा। मेक श्योर करें कि आपके पास जो रेड चिली पाउडर है वो बहुत अच्छा हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम बहुत पुराना चिली पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो उससे अच्छा कलर नहीं आता। यहाँ पर देखिए मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट भूना था और इसके ऊपर कितना ज़बरदस्त कलर आ गया है। बस यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे पानी और पानी इतना डालेंगे कि गोश्त हल्की आंच पर बेहतरीन सा गल जाए। आपको जो है ना बहुत कम पानी में इसको नहीं बनाना है, आपको अच्छे तरीके से पॉट में पानी डालना है इतना कि गोश्त अच्छे से डूब जाए, क्योंकि जितनी हल्की आंच पर ये पकेगा उतना ही लजीज बनेगा। जब ये 80% तक बन जाएगा तब मैं इसके ऊपर जितना भी ऑयल या रोगन आ गया ना मैं वो उतार लूँगी। यहाँ पर देख लें तकरीबन मुझे 2 घंटे लगे थे इस पॉट के अंदर और गोश्त अच्छा सा गल गया था। अब इसके ऊपर देखें अच्छा सा घी बचा हुआ है, मैं वो सब उतार लूँगी क्योंकि आगे चल के हम इसके अंदर आटा डालेंगे और आटा जैसे ही इसके अंदर जाएगा उससे क्या होगा कि जितना भी रोगन है ना वो आटा पी लेगा और फिर क्या होगा कि बिल्कुल हांडी पर ना रोगन नहीं रहेगा। यहाँ पर मैं जितना भी रोगन है ना इसका उतार लूँगी और
इसको आगे जब सर्व करने लगेंगे जब डालूंगी। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने ले लिया है यहाँ पे थोड़ा सा आटा, आप इसकी जगह जो लाल आटा है ना वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी थोड़ी सी स्लरी बनाएंगे, इतनी कि थोड़ी सी लिक्विडी सी रहे यानी पतली सी रहे, और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये असल में हमारे कुन्ने को थिक करने में काम आएगा और इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अभी आप देखें जितना मैंने गोश्त गला लिया था तकरीबन वो 80% कुक था, अभी भी उसके अंदर कसर है, हमें बिल्कुल इसको हलवे जैसा नरम कर देना है। यहाँ पर देखें मैं आपको दबा दिखा रही हूँ, ये गल गया है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर है। अब क्या करेंगे, जो मैंने स्लरी बनाई थी ना वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। इसको इतनी देर कुक करने से क्या हुआ है कि नली के ऊपर जो गूदा था ना अंदर वो भी बाहर आ गया है। ये डाल के आप इसको मिक्स करेंगे और आप क्या करेंगे कि आप चेक करेंगे कि आपको कितना थिक रखना है। अभी ये मुझे पतला लग रहा है, अभी मैंने इसको चम्मच चलाकर आपके सामने देखा है, ये बहुत पतला हो रहा है। जैसे ही इसके अंदर बॉयल आएगा हमें पता चल जाएगा कि इसको और कितना थिक करना है। यहाँ पर देखिए मुझे कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया है और सिर्फ थोड़ा सा इसमें से बचा है। अब मैं इसको हल्की आँच पर कुक करूँगी। आटा डालने के बाद तकरीबन हमें इससे 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे मज़ीद कुक करना है और जो मसाला रह गया था वो रिमेनिंग इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हम ऊपर से मसाला डालते हैं तो और भी लजीज खुशबू आती है। आपको ये नहीं करना कि आप जैसे ही आटा डालें उसको एक बॉयल दें और आप बोलें कुन्ना रेडी हो गया, ऐसा नहीं करना है। जब तक कि आटा कुन्ने के साथ नहीं पकेगा, इस शोरबे के साथ नहीं बनेगा, जायका नहीं आएगा। यहाँ पर मुझे अभी शोरबा कम लग रहा है क्योंकि मुझे इसको मज़ीद 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे पकाना है। यहाँ पर देख लें सफ़ेद सफ़ेद सा सक आपको सालन लग रहा होगा यानी कुन्ना ऐसे लग रहा होगा, लेकिन अभी इसको ये पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे तो ये बेहतरीन सा अपना कलर ले आएगा। मैं क्या कर रही हूँ, उसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और अब मैं इसको ढक के हल्की आंच पर तकरीबन 20 से 25 मिनट का दम दूंगी। यहाँ देखें 20 से 25 मिनट हो गए थे, आटा भी इसके अंदर जो था अच्छे से पक गया है, गोश्त तो यकीन माने बिल्कुल हलवा हो गया है। इसके ऊपर देखें कितना प्यारा सा कलर भी आ गया है। यहाँ ज़बरदस्त सा मटन कुन्ना रेडी हो चुका है, हड्डियों में से जितना भी अच्छा सा अर्क निकलना था वो भी निकल गया है। जो मैंने घी पहले निकाल लिया था उसको मैंने पैन में अच्छे से गर्म कर लिया। अब जब मैं सर्व करने लगूँगी, जब मैं इसके ऊपर जो है ना ये घी ऐड करूँगी, यहाँ पर देखें मैं आपको एक सर्विंग दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैं अपने गेस्ट के आगे रखूँगी, तो मैं अभी से इसके ऊपर जितना भी ऑयल या घी है नहीं डालूँगी। आपको भी अच्छे से डिश में इस तरीके से निकालना है, ये सिंगल सर्विंग है, अच्छे से निकालें और फिर क्या करें इसके ऊपर जो हमने बहुत सारा ऑयल उतार लिया था ना वो इसके ऊपर डाल दें। अच्छा, अगर आपको घी नहीं पसंद तो आप इसको ऑयल से बना सकते हैं। यह मज़ेदार सा हमारा कुन्ना रेडी हो चुका है, आप आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा और कुन्ना मसाला डालें और उसको सर्व करें। पहले से बिल्कुल भी नहीं डाल के रखिएगा, लेकिन जब आपके गेस्ट आएँ जब भी आप इसके ऊपर ऑयल गर्म करके डालें, आप इसको नान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही कोई लजीज बनता है और अगले दिन सुबह आप इसको पराठे के साथ खाएं, आपको बहुत मज़े का लगेगा। तो देखा कितनी इजी रेसिपी थी, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पाए के साथ ही बनाएं। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी है, अपना फीडबैक देना है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। तो फिर अगली एक रेसिपी तक के लिए सबा फुरकान को इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।